नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण सैनी, आशा होम्योपैथी क्लिनिक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, यूरिक एसिड क्या है और यूरिक एसिड से क्या क्या समस्याएं सामने आती हैं और होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यूरिक एसिड ये प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से उत्पन्न होने वाला एक एंड प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी में किडनी द्वारा फिल्टर करके पेशाब के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। अधिकतर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने पर, रेड मीट का ज़्यादा सेवन करने पर, बीन्स आदि, मटर, पनीर, राजमा, मशरूम आदि के ज़्यादा सेवन से यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ने लगता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर, फास्ट रखने पर, अन्य कारणों से भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। दोस्तों, जब इसका लेवल 6 से ज़्यादा हो जाता है तो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण शरीर में गुर्दे की पथरी हो सकती है और साथ ही साथ ये यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। हमारे जॉइंट में इसके क्रिस्टल डिपॉजिट होने लगते हैं जो कि गठिया की शिकायत कहलाती है। दोस्तों, इसको गाउट बोलते हैं, गाउट यानी गठिया यानी वात रोग। तो ये दोस्तों चर्चा करते हैं, ये यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड शरीर में बनने वाला एक रसायन है जो पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन के टूटने से बनता है और अधिकतर यूरिक एसिड खून में घुलकर किडनी तक पहुंचता है। वहां से सफाई होने के बाद पेशाब के द्वारा यूरिक एसिड ये बाहर निकल जाता है। कई बार शरीर में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है या फिर पूरी तरह से फिल्टर नहीं हो पाता है। शरीर में यूरिक एसिड के अधिक जमा होने के कारण ये गठिया की समस्या पैदा कर देता है। दोस्तों, इसके कारण पथरी बनने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ता है यूरिक एसिड, आइए बात करते हैं। कभी कभी आनुवंशिक कारण होते हैं। यूरिक एसिड डायथिसिस जिसको बोलते हैं, शरीर निष्क्रिय है और अधिक मात्रा में नॉनवेज आदि खाने के कारण शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में सुराजी तौर पर इसकी पहचान हो जाना इसके तेजी से बढ़ने को रोकता है और इससे होने वाले नुकसान को भी बचाता है, नुकसान से बचाता है। दोस्तों, इसके लिए खून की जांच होती है, यूरिक एसिड मेजरमेंट होता है, खून के सामान्य टेस्ट से इसको जांचा जा सकता है। ऐसे लोग जिन्हें जोड़ों में दर्द रहता है या बार बार पथरी बनती है, उन्हें खून में यूरिक एसिड की मात्रा का जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसे कम रखना क्यों ज़रूरी है, आइए जानते हैं। दोस्तों, शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के साथ साथ शुगर और हृदय रोगों की आशंका को बढ़ाता है। शोध कहते हैं कि सामान्य लोगों की तुलना में जिन लोगों में यूरिक एसिड अधिक बनता है उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ होने की आशंका बढ़ जाती है। गाउट गठिया होने पर जोड़ों में सूजन आ जाती है और ख़ासतौर पर टखने में सूजन दर्द के कारण चलना मुश्किल हो जाता है। होता यह है कि जोड़ों में यूरिक एसिड क्रिस्टल के रूप में जमने लगता है जिसके कारण एक या अधिक जोड़ों में लालिमा, सूजन, असहनीय दर्द, गर्माहट रहने लगती है। त्वचा पर भी काले धब्बे पड़ने लगते हैं। युवा लोगों में इसके बढ़ने का मुख्य कारण है अधिक मात्रा में नॉनवेज खाना और अधिक अल्कोहल लेना। आप क्या खाएं क्या ना खाएं चर्चा करते हैं यूरिक एसिड का परहेज। आइए दोस्तों, यूरिक एसिड सबसे ज़रूरी है वजन को नियंत्रण रखना। अगर आप वजन को नियंत्रण रखेंगे तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन आदि बीमारी नहीं होंगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां नहीं होंगी। दोस्तों, रेड मीट, पोल्ट्री प्रोडक्ट और मछली का सेवन बहुत सीमित मात्रा में करें। ये सभी हाई प्रोटीन डाइट यूरिक एसिड के लेवल को, प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। शाकाहारी प्रोटीन के स्रोत जैसे डेयरी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, लो फैट दूध लेना बेहतर रहेगा, मशरूम, पालक, अरहर, हर तरह की दाल का सेवन कम करें। एल्कोहल न लें या बहुत कम मात्रा में लें। बहुत अधिक बियर, एल्कोहल लेना शरीर से यूरिक एसिड बाहर निकालने में बाधा उत्पन्न करता है और इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए जिससे ज़्यादा यूरिन बने और यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकले। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अधिक फाइबर वाला भोजन लें जिसमें फाइबर डाइट ज़्यादा है जो कि यूरिक एसिड को रिमूव करता है। ये फाइबर
रक्त में मौजूद यूरिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे शरीर में बाहर निकलने में मदद करता है। जैसे इसबगोल की भूसी, ओट्स, ब्रोकली आदि ज़्यादा खाएं। विटामिन सी से युक्त प्रोडक्ट बढ़ी हुई यूरिक एसिड की मात्रा को कम कर देता है। यूरिक एसिड को पेशाब के रास्ते निकालने में मदद मिलती है। वनस्पति घी खाने की बजाय जैतून के तेल का सेवन करें। जैतून का तेल शरीर में अतिरिक्त यूरिक एसिड के निर्माण को रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल सब्जियां खाएं। लाल शिमला मिर्च, टमाटर, ब्रोकली, अंगूर में एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया है परहेज यूरिक एसिड क्या होता है और यूरिक एसिड से क्या क्या नुकसान होता है। दोस्तों यूरिक एसिड के कारण सबसे बड़ी समस्या है गठिया का होना। गठिया में क्या होता है, यूरिक एसिड स्मॉल जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगता है और जॉइंट सूज जाता है, जॉइंट मोटा हो जाता है, दर्द ऐसा नहीं है, दर्द रहने लगता है। अरे दोस्तों बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं यूरिक एसिड को ख़त्म करने के लिए। जो दोस्तों मेरा फॉर्मूला है, मैं ये चर्चा करता हूँ। मैं लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम देता हूँ, साथ ही साथ बर्बरिस वल्गेरिस मदर टिंचर 10 बूंद सुबह दोपहर शाम, अल्टिका यूरेंस मदर टिंचर 10 बूंद सुबह दोपहर शाम। दोस्तों इससे मुझे अनेकों पेशेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छा फ़ायदा मुझे मिलता है। और दोस्तों सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट में मैं लीडमपाल देना पसंद करता हूँ। लीडमपाल बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी में यूरिक एसिड से उत्पन्न होने वाले गठिया रोग के उपचार में। लीडमपाल आप सुबह दोपहर शाम 30 पोटेंसी में लीजिए, आपका यूरिक एसिड खत्म हो जाएगा, यूरिक एसिड से उत्पन्न होने वाला गठिया रोग खत्म हो जाएगा।